पापा मैं गई थी बाजार तो मुझे मिला नहीं था। नहीं बेटा, हर स्टोर पे है, हर स्टोर पे पैकेट्स में भी है, और सऊदी अरब में तो और मिलेंगे बहुत अच्छे। नहीं पापा ने एक दो सेक के धूप में रखो, थोड़ी देर वो क्रिस्प हो जाएंगे, उसको पीस लो और छान लो। ये इस तरह भी कर लीजिएगा अगर ना मिले, फॉर एग्जाम्पल बात, वरना तो मिल जाएंगे वहाँ पर भी सऊदी अरेबिया भी सुपर स्टोर वगैरह पर। लेकिन आप जो रेसिपी जिस तरह से बता रही हैं कि किस तरह से घर में बना सकते हैं, उस तरह भी जैसे हम शाही टुकड़े बताते हैं तो वो किनारे कटते हैं, लोग उसको सुखा लेते हैं, उससे क्रम्स बना लेते हैं। हाँ वेस्ट तो बन जाते हैं, लेकिन वहाँ ज़रूर मिलते होंगे, तुम किसी अच्छे सुपर स्टोर पर जाओ, ज़रूर मिलेंगे। ओके आपा, हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे इसको ब्रेक में, क्योंकि सारे हो जाएंगे तो हम इसको अवन में रख देंगे, और थोड़ी ही देर इसको बेक करना है, क्योंकि अवन को हमने ऑन कर दिया, वो प्रीहीटेड है। अब बस इसको रखेंगे, थोड़ी देर बेक करेंगे और ये हो जाएगा रेडी। पुलाव में क्या करना है वो जानना है, और फिर ड्रिंक जो कि ऑल फ्रूट का है, मज़ेदार फ्लेवर एप्पल के साथ बनने जा रहा है, बड़ी मज़े की ड्रिंक होगी, वो क्या है, क्या किसके साथ एप्पल ड्रिंक के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, किस तरह से चीज़ जाएगी, कौन सी इंग्रेडिएंट हैं, किस तरह के खूब मज़ेदार और कर सकते हैं, वो जानना है। मज़ीद सवाल आपको एक बार फिर से बता दूं मैं, आपने बताना है कि एग प्लांट और ब्रिंजल ये किस सब्ज़ी के दो नाम हैं जो आपको लगता है ये कि या बैंगन के हैं या फिर टींडा के, जो सही लगता है। 888 से बताना, नहीं तो कॉल के थ्रू भी रेसिपीज़ में मज़ीद और क्या हो रहा है जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। व्हील की चॉप्स अज्जा, व्हील की चॉपे एक किलो, तेल एक प्याली, बारीक कटी हरी मिर्च और लीमू तीन अदद, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, भुना और पिसा सफेद जीरा, कुटी काली मिर्च एक चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक खाने का चम्मच, सफेद सिरका दो खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट डेढ़ खाने का चम्मच, नमक हसबे ज़ायका। हांडी में सिखाई जाने वाली रेसिपीज आप मोबाइल फोन पर भी हासिल कर सकते हैं, HND 394 लिखकर 486 पर SMS करें और हासिल करें आज की रेसिपी व्हील चॉप्स अपने मोबाइल पर। हांडी में सिखाई जाने वाली रेसिपीज आप मोबाइल फोन पर भी हासिल कर सकते हैं, HND 394 लिखकर 486 पर SMS करें और हासिल करें आज की रेसिपी व्हील चॉप्स अपने मोबाइल पर। बैक टू प्रोग्राम। हाँ जी, जहाँ पर एक काम हो चुका है जो कि अवन में पहुंच गया है, वो है ब्रिंजल विद स्टफ्ड विद कॉटेज चीज, बड़ी मजे की लग रही है, ऊपर से अब इसके ऊपर कलर आएगा और ये रेडी हो जाएगा, है ना। वो जरा सी बेक हो जाए, वो जरा सी मेल्ट हो जाए तो तैयार है, क्योंकि बैगन तले हुए हैं। हाँ। आप इसे इस तरह के बैगन आप चाय पे सर्व कर सकते हैं, हमने तो देर से तले हुए थे, आप फौरन तलें, थोड़ा सा चीज तैयार रखें और 5 मिनट को आप अगर अवन नहीं है तो माइक्रोवेव में कर लें, और अगर अवन है तो उसमें रख लें और चाय पे सर्व करें, आप चाय की दावत में बहुत मज़े के लगते हैं। चाय की दावत में ज़रा सी डिफरेंट चीज़ें रखें ना, चाय की दावत खातून खाना की और इज्जत बढ़ जाती है। हम करते क्या, केक मंगा लिया, पैकेट मंगा लिए, बाजार के समोसे मंगा लिए और चाय कर दी, एक गुलाब जामुन रख लिए या रसमलाई रख ली तो चाय की दावत हो गई, नमक पारे रख लिए या बाजार की कचौरियाँ रख लीं। आप घर में चीज़ें बनाएं, कबाब हैं तरह तरह के, सैंडविचेस हैं तरह तरह के, घर में आप समोसे जैसे आपने इस तरह के कॉटेज चीज़ आप समोसों के वर्क में भरें, पट्टियों में छोटे समोसे बनाएं, आप देखें कितने मज़े के होते हैं। उसके साथ तरह की चटनियाँ रखें, फिर घर में पूरियाँ बनाएं, घर में हिंदुआनी सब्जियाँ एक दो बना दें, मेज सजी हुई होना चाहिए सिर्फ घर की चीज़ों से। अगर चीज़ केक बनाएं तो बाज़ार से मंगवा लें चीज़ केक, अगर रखना है इस तरह की चीज़ें। तो चाय की दावत जो है ना वो खाने से ज़्यादा मेहनत वाली होती है, हम समझते हैं चाय की दावत में कम मेहनत होती है, चाय की दावत में ज़्यादा मेहनत होती है। सुबह का बहुत वैरायटी होती है, सुबह का खाना बर्बाद होता है खातून खाना का। हाँ। और रात का खाना बर्बाद होता है। बिल्कुल ये बात आपने कही सही, बिल्कुल ही टाइम पर जिसको भी बुलाते हैं बाकी दोनों वक्त लंच या डिनर पे बुला लें, दोनों वक्त का जाता है। हाँ। क्योंकि उसमें लगी रहती है कि चाय का वक्त हो जाएगा, चाय की दावत खत्म करके चाय के बर्तन वगैरह उठाए, कोई ना कोई चीज खाई तो डिनर का खत्म, बनाने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा कॉलर है दुबई से, जिसरा जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या ये हाँ हाँ बेटा मैं बोल सुन रही हूँ, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो, बोलो। क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र बेटा, बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत, बोलो। अच्छा वो मैंने पूछना था, दांत बच्चे निकालती है ना जी, तो उसके लिए कोई टोटका बता दे। अच्छा बेटा बता, ठीक है। आप कराची से कर रही हो? नहीं दुबई। और उस दिन आप, उस दिन आप ब्लैक साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा थैंक यू बेटा, थैंक यू, जीती रहे। ओके और कुछ पूछना है? अब देखो बच्चों की दांत का असल में वहाँ, अगर तुम दुबई से कर रही हो, इंडियन स्टोर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, उस पर तुम्हें मिल जाएगा सुहागा, मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों की दांत का सुहागा। तो अगर नहीं है तो कराची से कोई आता हुआ उससे मंगवा लो, इतनी सी चीज़ होती है, बिल्कुल रख के ला सकते हैं। तुमने इतना सा सुहागा लिया एक कोरे की बराबर, तवे को साफ़ किया, गर्म किया, उसके ऊपर वो टुकड़ा रख दो सुहागे के, और वो पाउडर हो जाता है। जब पाउडर हो जाए तो एक माचिस की तीली का जो हिस्सा हम पकड़ते हैं उस हिस्से से, या टूथपिक हो टूथपिक से, तुमने उस पाउडर को तवे से हटा के 2 से 3 टेबल स्पून शहद में उसको मिला लेना, मिला के बॉटल बना के रख लो। और ये वाली उंगली नाखून कटा हुआ हो, नेल पॉलिश ना लगी हुई हो, धो के साफ करके दिन में 3-4 दफ़ा इस उंगली में वो सुहागा शहद लगाया और बच्चे के दांतों के ऊपर अंदर मसूड़ों पे लगा दिया, ठीक है। और रात सोते वक्त चाय का ठंडा कहवा जो होता है, चाय की हम लोग पीते हैं केतली में रह जाता है, उस कहवे में थोड़ा सा नींबू डालो, नींबू का रस 2-3 कतरे, और बच्चे के यहाँ कनपट्टी पे, गर्दन पे, यहाँ माथे पे लगा दो, बच्चे के दर्द नहीं होता, बच्चा आराम से सोता है, और सुहागे से बच्चा मोटा होगा, भूख लगेगी और दांत किधर निकले होंगे कुछ पता नहीं चलेगा। ये सही है, वरना दांत निकलते बच्चा कमज़ोर होना बहुत जाता। रोता है, पेट में दर्द होता है, बुखार आता है, और ये जगह चटकती है बच्चों के, हमें तो बड़े लोग रोते हैं, बच्चे तो फिर बच्चे बता नहीं सकते ना, तो ये करो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेगा, इसलिए रात भर रो रहे होते हैं। अच्छा कॉलर है कराची से, कौन? ये देखो ये हो गए, अब इसको हम पहले हाँ जी ओके ओके हर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या अच्छे होते हैं बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसेस फरहान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत है? कढ़ाई बेटा लेना है, मुझे आपा से बात करनी थी। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। आपा मुझे एक प्रॉब्लम था, क्या? मेरी एक छोटी बहन है जी, और ना उसके ना दिन में अगर जैसे थोड़ी देर में कुछ नहीं खाए तो उसके मुंह से थोड़ी ना स्मेल आती है। अच्छा, तो उसके लिए अगर आपा हो जाए तो बता दीजिएगा। ऑन एयर मैं जरा दूसरे रूम में चली जाऊँ, ठीक है, सुनने के लिए? ठीक, जाइए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। उसको देखते, उसको देखते हैं कलर आया कि नहीं। बस आने वाला है, जाने वाला है, आने वाला है। बस ठीक है, क्योंकि हल्का हल्का सा कलर आ गया है, इसको देखना है आप लोगों ने, दिखा दे दिखा दे, हल्का हल्का सा इस पर कलर आ गया है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है, अच्छी खुशबू आई है एकदम से, अवन खोलते ही अब बंद कर देते हैं ताकि जल्दी से इसको कलर आ जाए और फिर हम इसे डिशार्ज करें गर्मा गर्म मज़ेदार से, ये अच्छा हो गया। अच्छा जी, अब क्योंकि चॉप्स जो हैं वो सिर्फ बॉइल करने, अच्छा अब ये जो मछली मैंने अलग से फ्राई की है ये ज़रा नरम हो गई है, वरना आप लोग ये भी कर सकते हैं, जब मैंने पुलाव का मसाला बनाया था तल के आप उसमें भी डाल सकते हैं और फिर निकाल लें, फिर यखनी डालें और फिर चावल डाल दें तो उसमें और मसाला लग जाएगा, ठीक है? है ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ठीक है, जब तक ये तेल गर्म होगा हम ये तलना शुरू कर, ठीक है। जो चॉप्स हैं जिनका पानी खुश्क हो गया, गल गए हैं, बस आपने करना है इनको तल के इसी देगची में डालना वापस, फिर इसमें नींबू, काले मिर्च, भुना जीरा, हरी मिर्चें, ये सब डाल के दम पे रखना है और फिर निकालना। ओके क्या हो जाएंगे ये मज़ेदार ज़बरदस्त से रेडी ये, और फिर ड्रिंक, अब ड्रिंक भी जानेंगे, पुलाव भी आपा से पूछेंगे किस तरह से आपा अभी इसको डिश आउट करें, ये चॉप्स भी हो जाएंगे, वो जो ऐसा ऐसा कलर आ रहा है, खूब मज़े की खुशबू आ रही है ये, और साथ में जी सवाल जो आप बताएंगे कि ब्रिंजल और एग प्लांट ये किस सब्जी के दो नाम हैं, क्या लगता है आपको सही, 888 पर जल्दी जल्दी SMS करें। मज़ीद बातें मज़ीद रेसिपी में जो रह गया है वो जानना है, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक।
व्हील की चॉप्स अज्जा, व्हील की चॉपे एक किलो, तेल एक प्याली, बारीक कटी हरी मिर्च और लीमू तीन तीन अदद, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, भुना और पिसा सफेद जीरा, कुटी काली मिर्च एक एक चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक खाने का चम्मच, सफेद सिरका दो खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट डेढ़ खाने का चम्मच, नमक हसबे ज़ायका। हांडी में सिखाई जाने वाली रेसिपीज आप मोबाइल फोन पर भी हासिल कर सकते हैं। HND 394 लिखकर 486 पर SMS करें और हासिल करें आज की रेसिपी व्हील चॉप्स अपने मोबाइल पर। व्हील चॉप्स अपने मोबाइल पर। जी वेलकम बैक टू प्रोग्राम हानी, जहां पर मजेदार रेसिपीज बन रही हैं। बुलाओ तो इतना A1 लग रहा है, अपन ने उसके ऊपर बस वो डाला है तली प्याज, मछली और पुदीना और हरी मिर्च, और क्या लग रहा है मजेदार गर्मा गर्म चावल, इतने खिले खिले बिखरे हुए और फिश हुई भी उसमें फ्राई, और ये देखें क्या जबरदस्त है। A1 बड़ी अच्छा लग रहा है, खुशबू अच्छी सी आ रही है। चॉप्स का जो काम था उसमें से आपने बस अब वो तलना है, अब इस देखिए में ही डालेंगे जिसमें थोड़ा सा मसाला है, उसमें हम काले मिर्च, जीरा, नींबू, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के थोड़ा सा दम कर दें। ठीक है, तो चॉप्स जो है उछल रही हैं। अच्छा, अब हम बनाते हैं ऑल फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर का एप्पल फ्लेवर के साथ एक मज़ेदार ड्रिंक। तो ये ऑल फ्रूट का हम एप्पल फ्लेवर ले लेते हैं, ये है जी, और मैं आपको इसकी टोटल बता दूं कि इसका ढक्कन ना ले लें शराफत से। नहीं ये तो ये वाला नहीं है, ये है आपा होती रहेंगे शायद। हाँ ये है, ये ऑल फ्रूट का एप्पल फ्लेवर जो है ये यूज़ कर रहे हैं, और ये तकरीबन 1.5 कप लेंगे। हाँ। और आइस क्यूब्स हैं वो हंस पे ज़रूरत आप ले लें, और इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं जो कि 1 कप हैं, वॉश हुई हुई, और उसके ऊपर से पत्ते निकाल दिए हैं। शुगर 2 टेबल स्पून लेंगे, और लेमन जूस भी जस्ट 2 टेबल स्पून है। ये इसके साथ बनाएंगे खूब ज़बरदस्त सा रिफ्रेशिंग और ठंडा ठंडा मज़ेदार ऑल फ्रूट एप्पल है ना, एप्पल ठीक, इसका कॉम्बिनेशन एप्पल का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ये देखें, ठीक है, हम इसका तकरीबन 1.5 कप ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी थिक होंगी, उसकी वजह से इसको थोड़ा सा हम लिक्विड से ड्रिंक बनाएंगे। ये है फुल एनर्जेटिक रिफ्रेशिंग, मतलब मैं इसलिए आपको बता दूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं, और गर्मियों में ये होता है कि ड्रिंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप स्वेट करते हैं, जब बाहर जा रहे होते हैं, तो उसमें पानी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये, अच्छे हैं कि आप इन्हें यूज़ करें। अच्छे जी, आप ये वाला जूस बच्चों को ज़रूर दीजिए स्कूल जाते वक्त, बेहतरीन चीज़ होगी बच्चों के लिए। स्ट्रॉबेरीज डाल दें 1 कप, और ये शुगर 2 टेबल स्पून। जब बच्चा आके आपसे कहेगा अम्मा मैं फर्स्ट आया रेस में और मैं थका भी नहीं, और मैं थका भी नहीं, आपकी कितनी आपको खुशी होगी। ये लेमन जूस 2 टेबल स्पून, और कुछ आइस क्यूब्स ये इसमें डाल देते हैं, ये ताकि जल जाओ खूब ज़बरदस्त हो। और आपा ने चॉप्स को फ्राई करके